नंबर सेकंड में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नेम क्या है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के तो बारे में सुना होगा कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है, कि वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल नेचर का किस तरीके से कि इसके अंदर जो डेबिट हम करते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करते हैं हम सारी की सारी इनकम्स को, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस निकालने का हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हाँ भाई हमें उससे क्या निकालना है, या तो नेट प्रॉफिट आए या फिर हमारा क्या आ जाए, नेट लॉस आ जाए, ठीक है। हम इस तरीके से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस में हम वो वाली आइटम सारी लिखते हैं कि जो कि हमारे लिए क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज का मतलब क्या है कि हाँ भी चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, हमें तो वो जो चीज है यानी कि वो आइटम्स को जितना हमारा खर्चा आया है वो हमें पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, बंटवारा करना यानी कि अलॉटमेंट करना अलग अलग जगह पे, ठीक है। अगर मान लो हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम अपने पार्टनर्स को क्या देंगे, सैलरी भी देंगे, कमीशन भी देंगे, ठीक है, रिजर्व वगैरह पड़े हैं तो सब कुछ उसको देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फर्क होता है। तो ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी साल के लिए आप बना रहे हो, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट ये जो है हमारी इस साइड, ये वाली साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड और इस साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। अभी हमने प्रॉफिट और लॉस की बात करी, अब ये तो कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अभी हम बात कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस की। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता था कि हाँ भाई नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। अब हम जो क्रेडिट साइड है वो सिर्फ हम दो ही आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। एक तो अगर प्रॉफिट और लॉस से हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे और यहाँ पे जितने से प्रॉफिट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। जो भी पीएनएल अकाउंट बनता है उससे जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। नेट प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर बाय चांस यहाँ पे लॉस आ जाए तो दो प्रॉफिट एंड लॉस करके यहाँ डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे नेट लॉस की। ये आपको क्वेश्चन में ये अमाउंट गिवन होती है, ज्यादातर क्वेश्चन में प्रॉफिट ही गिवन होता है कि इतना नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। और क्या चीज लिखनी होती है क्रेडिट साइड में आपको, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, यानी कि फॉर्म को अब देखो ड्रॉइंग करी है पार्टनर्स ने, अपने पर्सनल यूज के लिए उन्होंने पैसा निकाल लिया। अब अगर उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो उनको कुछ ना कुछ जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट किसके पास आएगा, वो आएगा फॉर्म के पास, फॉर्म के लिए वो क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, वो हम यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। अब वो जो है कैलकुलेट वगैरह करनी होती है, वो कैलकुलेट करना अभी हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें, अब ये क्रेडिट साइड में हमारी दो आइटम्स होती हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे देखो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो जो पार्टनर को देना है, अब जो कैपिटल वो लेके आए हुए हैं अपने बिजनेस में तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगता है वो हम दे देंगे। पार्टनर्स की सैलरी है वो यहाँ पे लिख देंगे, पार्टनर्स का जितना कमीशन बना वो लिख देंगे, अगर रिजर्व है बिजनेस में तो वो भी बांट देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बांट देना। जितना भी सब कुछ है कि कुछ इस पे इंटरेस्ट पे दे दिया, कुछ सैलरी पे दे दिया, कुछ रेमुनरेशन किसी पे भी दे दिया, ठीक है। आगे जो है अब पार्टनर को, अब यहाँ पे जितनी अमाउंट हमें मिलनी है वो यहाँ पे लिख दी, ठीक है, जितनी अमाउंट हमें देनी है वो लिख दी। अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर मान लो पार्टनर्स को प्रॉफिट है तो उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, जो भी रेशियो गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो है इसका फॉर्मेट। अगर आगे इसकी एंट्रीज करनी आ जाती है कि यहाँ पे एंट्री करके दिखाइए हमें, तो हम किस तरीके से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जितने भी डेबिट में एंट्री है सभी की वजह से वो क्या होगा डेबिट होगा, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे लिख दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको यहाँ पे पूरा लिखना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से डेबिट हुआ, जितनी भी आइटम्स उसकी डेबिट में है किसकी वजह से। फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम इसकी नरेशन लिख देंगे। आगे क्या है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब आगे किसकी वजह से डेबिट हुआ है, ये अगली एंट्री की वजह से टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देंगे।
ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी एंट्री कर देनी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस किस की वजह से जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब क्रेडिट किसकी वजह से होगा, जो इसकी आइटम्स क्रेडिट में पड़ी होंगी। तो अब डेबिट में क्या चीज जाएगी, डेबिट में ये लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो अगली एंट्री की वजह से ये फिर क्रेडिट होगा। अब इसके लिए हम डेबिट में क्या डालेंगे, ये जो चीज है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, इसको हम डाल देंगे डेबिट में। और टू लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे टू में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितनी भी आइटम्स इसकी डेबिट साइड पे पड़ी होती है उसकी वजह से ये क्या होता है, डेबिट। जितनी भी आइटम्स इसकी क्रेडिट साइड पे पड़ी होती है उसकी वजह से ये क्या होता है, ये क्रेडिट होता है। नीचे हमने इसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे लिख दे दी है, ठीक है। तो ये है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का छोटा सा टॉपिक। तो फटाफट से आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।